Hello everyone, my name is Lakshmi and this is my YouTube channel Lighthouse Academy, Easy Way of Learning. If you like the video, please like, share and don't forget to subscribe my channel because it means a lot to me. Thank you so much. So now we are going to take the other part of this lesson and that is Riya in the city. अब ये रिया नाम की लड़की है और वो कहाँ रहती है? शहर में रहती है, बड़े शहर में रहती है. Now हमने देख लिया कि प्रिया कौन से गांव में रहती है और उसका lifestyle कैसा है. Now let's talk about Riya. Page number 9 और 11 पे है. तो please open page number 9 and देखते हैं Riya in the city part 1. Hi, I am Riya. Riya कह रहे हाय, मेरा नाम रिया है. I live in a big city. मैं एक बड़े शहर में रहती हूँ. There are big buildings. अब शहरों की खासियत क्या होती है? हम शहर किसे कहते हैं? जहाँ पे बड़े बड़े घर होते हैं, buildings होती है. There are big buildings and wide roads in our city. हमारे शहर में बहुत बड़ी बड़ी buildings हैं और बहुत चौड़े रास्ते हैं. Wide यानी बहुत चौड़े, एक साथ बहुत सारी गाड़ियाँ जिसमें से जा सकती है. ऐसे वाले road villages में होते हैं क्या? नहीं होते हैं. Buses, cars and bikes. और उसमें से क्या जाती है? बहुत बड़ी बड़ी buses जाती है, city bus होती है या और भी buses होती है, cars जाती है और motorbikes भी जाती है. There is a lot of traffic in the city. और इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग, because the population is very big there and that's why क्या होता है? Traffic भी बहुत ज़्यादा होता है. कहाँ पे? रिया के शहर में. There is a dairy near my house. अब रिया बोल रही है कि मेरे घर के पास में एक डेयरी है. We buy milk from a dairy. हम उसी डेयरी से दूध खरीदते हैं. We get a milk in a pouch. और ये दूध हमें प्लास्टिक की थैलियों में मिलता है. It's nice and as cold as ice. और ये अच्छा होता है बट साथ ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बर्फ के जैसा. Now there is another grocery shop also. रिया के घर के पास भी है और वो भी अपनी मम्मी के साथ में वहाँ सामान खरीदने के लिए जाती है. There is a grocery shop near my house. रिया is saying that there is one grocery shop near her house. There we buy again, once again. जो प्रिया खरीदती थी वही सारी चीज़ें रिया भी खरीद रही है, बट ये शॉप कहाँ पे है? शहर में है. ग्रेन्स, ऑयल, सॉल्ट, शुगर, बिस्किट्स एंड मेनी अदर थिंग्स. कैन यू नेम देम? और आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है. और सेम हमने जैसे प्रिया के साथ किया था वैसे ही. ओके, आई एम इन स्टैंडर्ड 3. अब रिया भी है, वो भी तीसरी ही कक्षा में पढ़ती है. आई गो टू स्कूल बाय बस. बट ये शहर की बात है और शहर में स्कूल से घर जो है, घर से स्कूल बहुत दूर होता है, इसीलिए बच्चे मोस्टली किससे जाते हैं? स्कूल बस से स्कूल जाते हैं. आई गो टू स्कूल बाय बस. वी लर्न मराठी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड स्टडी अवर एनवायरमेंट इन स्कूल. और वो प्रिया भी, रिया भी प्रिया के जैसे ही सेम ही सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ती है, यही इंग्लिश की बुक भी वो भी पढ़ती है. अवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक इज कॉल्ड माई इंग्लिश बुक 3. और ये उसकी बुक है इंग्लिश की, माई इंग्लिश बुक 3. ओके, सो ये है प्रिया और रिया दोनों की कहानी. सो मुझे लगता है कि आपको लाइफस्टाइल में उनके डिफरेंस समझ में आ गया होगा. और देर आर सो मेनी न्यू वर्ड्स जो हमने यहाँ पे सीखे, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओके, सो थैंक यू सो मच.